Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जैसा कि आप जानते हैं, your vibe attracts your tribe, यानी हम जैसे हैं हमें वैसे लोग या चीजें पसंद आते हैं और मेरा हमेशा से ही bohemian यानी boho रहा है, जो मेरे lifestyle का important पहलू है। इसीलिए आर्ट प्रोजेक्ट्स या होम डेकोर आइडियाज के जरिए मैं इसे अपने लाइफ में शामिल करती हूँ। अब जब वसंत ऋतु अपने जोरों पे है तो सोचा क्यों ना दोनों को मिला के कुछ बनाया जाए। आज के वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से पुराने बॉटल्स को रीयूज करेंगे, कुछ सिंपल चीजें यूज करके इस मेकओवर से हम कैसे ये यूनिक वॉल हैंगिंग क्रिएट करेंगे, जो सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि आपके घर का एक अट्रैक्टिव पीस भी होगा। आगे के डिटेल्स जानने से पहले, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी के लिए, और बेल नोटिफिकेशन भी हिट करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स ना मिस करें। तो चलिए शुरू करें। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफी टाइम से बॉटल्स इकट्ठा कर रही थी। देख सकते हैं कुछ बॉटल्स पे अभी तक स्टिकर्स हैं, तो कुछ पे नहीं। तो देखें इन्हें कैसे रिमूव करेंगे। एक कंटेनर में पानी भरें और थोड़ा बर्तन धोने का लिक्विड डालें। बॉटल्स को इनमें सोक करें 15 से 20 मिनट के लिए और ध्यान से स्टिकर्स बॉटल से हटा दें। अगर अभी भी कुछ चिपका है तो उसे थोड़े और समय के लिए सोक करें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब एक बटर नाइफ के पीछे से बाकी के स्टिकर पे घिस दें। सारा घिस जाने पर उसी पानी में डिप करें और टैप के पानी से अच्छे से धो लें, अच्छे से सुखा दें। सारे बॉटल्स इसी तरह साफ करें। मुझे एक रस्टिक लुक चाहिए था, इसीलिए आंगन से ये 4 स्टिक्स कलेक्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। इस स्पंज और व्हाइट एक्रिलिक कलर से इन स्टिक्स को पेंट करें, सूखने दें। फिर एक गीले किचन पेपर टॉवल से इन स्टिक्स को डिस्ट्रेस किया। पहले के हैंगिंग के मुकाबले यहाँ ज्यादा डिस्ट्रेस किया मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ ब्राउन बॉटल्स यूज किया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, चोटी कैसे बनाते हैं, सेम 3 स्ट्रैंड्स यूज करके लंबी चोटी बनाएं, एक ग्रीन और एक नेचुरल। दोनों को एक के बाद एक इन 4 स्टिक्स के चारों ओर बांध दें इस त्रिकोण पैटर्न में। इसी को यूज करेंगे बॉटल्स को हैंग करने के लिए। अब इन जूट ट्वाइन को यूज किया इन बॉटल्स को रैप करने के लिए। मैं इस ग्रीन बॉटल को ऐसे ही यूज करना चाहती हूँ, इसीलिए स्प्रे पेन नहीं किया। जिस तरह से आप ट्वाइन रैप करना चाहते हैं, उसी तरह से पहले हॉट ग्लू यूज करें। छोटे छोटे पार्ट्स में काम करें ताकि हॉट ग्लू सूख न जाए। मेजर करें और अकॉर्डिंगली ट्वाइन को काट दें। इसके लिए मैं एक ट्रेडिशनल पैटर्न में काम करूंगी। अब ऊपर के नैरो पार्ट को ग्लू यूज करके कवर करें। बॉटल के माउथ यानी ऊपर से बॉटल के नेक तक ट्वाइन रैप करें। बीच बीच में ग्लू यूज करें। सब हो जाने पर एक्सेस ट्वाइन को इस तरह से काट दें, एक नीट लुक देने के लिए। फिर सिलेक्टिवली कुछ पार्ट्स को व्हाइट एक्रिलिक कलर से पेंट किया और ऊपर में व्हाइट स्ट्राइप्स की तरह भी, एक अलग लुक देने के लिए। ब्राउन बॉटल यूज किया और हॉट ग्लू यूज करके ग्रीन ट्वाइन रैप किया। गैप रखे और स्ट्राइप्स में अल्टरनेटिवली रैप करें। पूरे बॉटल में इसी तरह कंटिन्यू करें और पहले की तरह नीट लुक देने के लिए एक्सेस ट्वाइन को काट दें। ये नेचुरल कलर ट्वाइन लिया और बॉटल के लेंथ का 5 गुना मेजर किया।
और 6 ऐसे स्ट्रैंड्स काट दे। अब बॉटल के मुंह को मेजर करें और नॉट बना दे। ध्यान रखिए वो अच्छे से फिट हो। अब नॉट बनाने के लिए जो स्ट्रैंड कट किया उसके दोनों एंड्स एक साथ रखें और बीच तक जाने के लिए हाथों को नीचे लेते जाएं जब तक एंड तक ना पहुंच जाएं। ये मझला हिस्सा आपका नेचुरल हुप है। अब इस लूप को ग्रीन ट्वाइन के नीचे लें। अब स्ट्रिंग्स को इसी लूप से कस के पुल कर दें नॉट बनाने के लिए। इसी तरह ग्रीन ट्वाइन के चारों ओर बराबर अंतर में नॉट बनाएं और इसे बॉटल के मुंह में फिक्स कर दें। आजू बाजू के नॉट से एक एक स्ट्रैंड लें जिसे यूज करके इस तरह का एक नॉट बनाएं। पर अभी इन नॉट्स को ज्यादा टाइट ना करें, बाद में सेम लेवल में होने के लिए एडजस्ट करना हो सकता है। इसी तरह दूसरे नॉट्स बनाएं, सारे सेम लेवल में हो तो टाइट कर दें। इसी तरह लेयर बाय लेयर ऐसे नॉट्स बनाएं। आखिर में इन बचे हुए स्ट्रैंड्स यूज करके एक फाइनल बड़ा नॉट सेंटर में बनाएं। अब व्हाइट एक्रिलिक कलर से ध्यान से इस जाली को बाहर से पेंट कर दें। तीसरे के लिए एक ब्राउन बॉटल यूज किया और उसके लेंथ का 6 गुना मेजर किया और 16 ऐसे स्ट्रैंड्स काटे, 8 ग्रीन और 8 नेचुरल कलर ट्वाइन। पहले की तरह बॉटल के मुंह में एक गोल लूप बनाएं, पर यहाँ नॉट्स बनाने के लिए एक साथ 2 स्ट्रैंड्स यूज किया। गोल लूप के चारों ओर बराबर अंतर में दोनों कलर्स अल्टरनेटिवली यूज करें। अब स्टार्ट होता है ट्रिकी पार्ट, जिसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और ये टाइम है मैक्रमे का। ध्यान से देखिए तो ये बड़ा आसान होगा। अच्छे से समझने के लिए मैं ये 4 स्ट्रैंड्स यूज करके अलग से दिखा रही हूँ। एक बेसिक स्क्वायर नॉट के लिए 4 स्ट्रैंड्स चाहिए। याद रखें बीच के दोनों स्ट्रैंड्स हमेशा साथ रहते हैं, मानो एक ही हो। फिर आप कोई भी साइड से शुरू करें, राइट या लेफ्ट। मैं राइट से शुरू कर रही हूँ। इस तरह से बनाएं जो नंबर 4 के शेप के समान हो। फिर लेफ्ट स्ट्रैंड लें और 4 के एंड के ऊपर से होते हुए बीच के दोनों स्ट्रैंड्स के नीचे लें और ऊपर लें इस 4 के होल से। ऊपर पुल करें और ये स्क्वायर नॉट का आधा हिस्सा है। दूसरे हिस्से के लिए रिवर्स करें। अब की बार 4 लेफ्ट साइड में बनाएं और ये राइट स्ट्रैंड 4 के एंड के ऊपर से होते हुए बाकी के नीचे जाएगा और इस 4 के होल से ऊपर निकलेगा। टाइट करने के लिए पुल करें और आपका ये एक स्क्वायर नॉट पूरा हो गया। इसी तरह सेम रिपीट करते रहें जितना लंबा आप चाहते हैं। मैंने 2 ऐसे स्क्वायर नॉट्स बनाए। सब में 2 स्क्वायर नॉट्स बनाने पर अब आजू बाजू के 4 स्ट्रैंड्स ले, 2 ग्रीन और 2 नेचुरल। स्क्वायर नॉट्स बॉटल के नेक तक कंटिन्यू करते रहें। यहाँ 8 स्क्वायर नॉट बनाएं। अब हम स्पाइरल नॉट बनाएंगे। दरअसल आप ये ऑलरेडी जानते हैं। कोई भी साइड से शुरू करें, पहले की तरह राइट से कर रही हूँ। सेम स्क्वायर नॉट की तरह, पर यहाँ रिवर्स करने के बजाय सेम साइड में रिपीट करते रहें। रिपीट करते करते आप ऐसा ट्विस्टिंग नोटिस कर सकते हैं। स्पाइरल नॉट स्क्वायर नॉट का आधा हिस्सा है। एक बार बॉटल के नेक तक पहुंचने पर फिर से अल्टरनेट किया और बाजू के 4 स्ट्रैंड्स यूज किया स्पाइरल नॉट्स बनाने के लिए। मेरे सारे स्पाइरल नॉट्स अलग अलग लंबाई के हैं। हॉट ग्लू से एंड्स को फिक्स किया। ऐसे सब फिक्स करने पर बाकी के बचे हुए से एक नॉट सेंटर में बनाया और कैंची से असमान तरीके से काट दें। ऊपरी हिस्से को और टाइट लुक देने के लिए दोनों कलर के कुछ सिंगल स्ट्रैंड से इस स्क्वायर नॉट के ऊपर और नीचे से होते हुए अल्टरनेट करें। गांठ बना दें और स्क्वायर नॉट्स के पीछे छुपा दें नीट लुक के लिए। व्हाइट एक्रिलिक कलर से स्पाइरल नॉट्स के बाहरी बॉर्डर पे हाईलाइट करें। चौथे
पौधे के लिए मैं बॉटल को कलर करना चाहती थी। मेरी तरह आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं। जिसके लिए एक साफ बॉटल लें या तो अल्कोहल से क्लीन कर दें। ग्लव्स यूज करें ताकि हाथों में ना लग जाए। पहले एक सैंड पेपर से बॉटल को सैंड कर दें। ये पेंट को अच्छे से पकड़ के रखेगा। स्प्रे करने से पहले कपड़े से डस्ट कर दें। अब काफी अंतर रख के स्प्रे करें ड्रिपिंग अवॉइड करने के लिए। याद से बॉटल के पीछे लिखे गए इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। एक अच्छे से वेंटिलेटेड जगह पे ही काम करें और जिस जगह काम कर रहे हैं उसे पेपर या प्लास्टिक से कवर कर दें ताकि पेंट न लग जाए। एक कोट के बाद 15-20 मिनट के लिए सूखने दें और फिर दूसरे कोट्स लगाएं। डिपेंड करते हुए आपको कितना गहरा चाहिए, मैंने 3 कोट दिया। एक बार आपके पास व्हाइट पेंटेड बॉटल हो तो मेजर करें ग्रीन ट्वाइन बॉटल के लेंथ का 2 गुना और पहले की तरह एक गोल लूप में गांठ लगाएं। उसके चारों ओर नॉट्स बनाएं। सिर्फ एक चीज अलग है, ऊपर के बजाय ये नीचे है। अब बाजू के नॉट्स से 2 स्ट्रैंड्स लें और ऐसे नॉट्स बनाएं। चारों ओर ऐसे बनाएं और आखिर तक ऐसे ही रिपीट करते रहें। एंड में हॉट ग्लू से चिपका दें। अब इन एंड्स को जॉइन करते हुए ग्लू लगाएं और नेचुरल कलर ट्वाइन चिपकाएं और साइडवेज रोल करते रहें। ऊपर से डिस्टेंस मेजर करें और ऐसे 4 से 5 स्ट्रैंड्स सेम लेंथ के काट दें और स्ट्राइप्स में हॉट ग्लू से लंबाई में चिपका दें। गैप्स में अल्टरनेट करते हुए बॉटल को कवर कर दें। अब फिर से ऊपर तक स्ट्राइप्स में चिपकाएं एक ओवरऑल क्रिस क्रॉस पैटर्न देने के लिए। पूरा हो जाने पर इस तरह दिखेगा। अब टाइम है इन बॉटल्स को इस हैंगर पे हैंग करने को जो पहले बनाया था। पहले बॉटल्स को अरेंज करें जिस तरह से आप चाहते हैं। टाइम लें अपने मन पसंद कॉम्बिनेशन के लिए। मैंने इसे अनइवन रखा है। मैं प्रिफर करती हूँ इन बॉटल्स को इस तरह से इस चोटी को यूज करके हैंग करने को ताकि ये एडजस्टेबल हो और इसे ये आसान भी होगा हटाने को। अगर आप चाहें इन बॉटल्स को निकाल के किसी और जगह या कोई और डेकोर आइडिया के लिए यूज करने को। ये स्पेस फिल करने के लिए ट्वाइन के पीसेस यूज करके नॉट्स बनाया। आप देख सकते हैं 2 तरह के नॉट्स बनाए हैं। इस तरह दोनों कलर से पूरा भर दें और बॉटल्स को भी फुल से भर दिया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। अगर और अपडेट चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे चैनल पे और ऐसे आसान और सुंदर प्रोजेक्ट्स ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए Live, love and laugh.